अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कल्फ जॉब रिक्वायरमेंट YouTube चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल पे जो भी पहली बार आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं जॉब के बारे में। तो दोस्तों, आज की जॉब आई दोस्तों वो आई है बहरान कंट्री से। अच्छी जॉब है दोस्तों और अच्छी रिक्वायरमेंट है, पेट्रोलियम कंपनी की जॉब है। तो दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ई मेल आई डी सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, वहाँ पर जाके आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जॉब के बारे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। यदि आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस फुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। ऑफिस का नाम है एसआर कंसल्टेंसी, ऑफिस हमारा रावलकिला उड़ीसा में, उनका उसका फुल एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जॉब के बारे में। तो ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर बहरान पेट्रोलियम कंपनी है, BAPOCO बहरान, इजी प्लांट कोऑर्डिनेटर इंजीनियर पहला है, जिसमें 650 बहरानी दिनार आपको दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जिसमें 450 बहरानी दिनार, असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर 175 बहरानी दिनार, सीनियर मटेरियल कंट्रोलर 700, मटेरियल कंट्रोलर 600 बहरानी दिनार, प्रिजर्वेशन सुपरवाइजर 400 बहरानी दिनार, मटेरियल असिस्टेंट 300 बहरानी दिनार, स्टोर कीपर 350 बहरानी दिनार, स्टोर असिस्टेंट 150 बहरानी दिनार, स्पूल कोऑर्डिनेटर 581 बहरानी दिनार, स्टील कोऑर्डिनेटर 475 बहरानी दिनार, कंस्ट्रक्शन मैनेजर प्लांट 1800 बहरानी दिनार, कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट 1500 बहरानी दिनार, डिप्टी कंस्ट्रक्शन मैनेजर 1400 बहरानी दिनार, सीनियर इंजीनियर स्ट्रक्चरल जिसमें आपको दिया जा रहा है 900 बहरानी दिनार। आपको एक बात को ध्यान देना है, सभी को गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑयल एंड गैस प्लांट का एक्सपीरियंस काम करने का आपको होना चाहिए। अगला है सीनियर इंजीनियर इक्विपमेंट, जिसमें 1000 बहरानी दिनार, इंजीनियर रोटरी इक्विपमेंट जिसमें 700 बहरानी दिनार आपको दिया जा रहा है, सीनियर इंजीनियर पाइप एक्शन 900 बहरानी दिनार, इंजीनियर पाइपिंग 700 बहरानी दिनार, रिगिंग सुपरिटेंडेंट 900 बहरानी दिनार, स्काफ फोल्डिंग इंजीनियर 900 बहरानी दिनार, स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइजर इंस्पेक्टर 700 बहरानी दिनार, P1 पर्सनल एंड एडमिन मैनेजर 800 बहरानी दिनार, P2 P&A असिस्टेंट्स 350 बहरानी दिनार, गेट पास कोऑर्डिनेटर जिसमें आपको 350 बहरानी दिनार दिया जा रहा है, टाइम कीपर वेज क्लर्क 350 बहरानी दिनार, कैम बॉस कोऑर्डिनेटर 450 बहरानी दिनार, असिस्टेंट कैम बॉस 350 बहरानी दिनार, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर जिसमें आपको 350 बहरानी दिनार दिया जा रहा है, इक्विपमेंट कोऑर्डिनेटर जिसमें 350 बहरानी दिनार, फ्यूल कोऑर्डिनेटर डाटा एंट्री 350 बहरानी दिनार, ऑफिस बॉय जिसमें आपको 100 बहरानी दिनार आपको दिया जा रहा है। सभी का गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑयल एंड प्लांट कंपनी में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या सेंड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको CV भेजना है, क्वालिफिकेशन डिटेल भेजना है, पासपोर्ट स्कैन फ्रंट एंड बैक, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें मांगा गया है उसमें देना मस्ट है, पासपोर्ट साइज फोटो विद वैट बैकग्राउंड, मेल आईडी नीचे दिया हुआ है sarconsultancy666@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर सारा डॉक्यूमेंट आपको परवली साइबर से स्कैन करवा के भेज देना है। मोबाइल से भेजा हुआ डॉक्यूमेंट सारा कंपनी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको ध्यान देना है, प्रॉपरली साइबर से स्कैन करवा के डॉक्यूमेंट को भेजना है। और जो भी टर्म एंड कंडीशन है, आपको सिलेक्शन के बाद सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा जो भी टर्म एंड कंडीशन है। तो दोस्तों, ये थी जॉब दोस्तों जो बहरीन कंट्री से आई थी। उम्मीद करता हूँ ये जॉब आपको अच्छी लगी, अब जॉब आपको पसंद आएगा। तो वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें।